दोस्तों आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ही शानदार गेम लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो गेम कुछ इस प्रकार है, तो गेम के नियम है, तो दोस्तों गेम के जो नियम है उसमें मैं आपको नियम और कुछ बच्चों को मिलने वाला इनाम के बारे में बता देता हूँ। तो नियम है कुछ इस प्रकार कि जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली जो ये सफ़ेद लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कुछ इस प्रकार, और इधर जाते हुए कुछ उधर जाना है जहाँ आपको एक मटकी दिखाई दे रही है, उधर जाना है। तो उधर जाने के लिए आप इनको करना क्या होगा कि इनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। ब्लैक कलर का कपड़ा या पट्टी बांधी जाएगी, और इनके हाथ में ये जो आपको डंडा या लठ बोल सकते हैं आप, या कुछ भी बोल सकते हो, लाठी बोल सकते हो, वो इनके हाथ में पकड़ाई जाएगी। पट्टी होगी, काली पट्टी बांधने के बाद उनको वहाँ से चलना होगा, और कुछ इस प्रकार इस लाइन को चलते हुए उधर जाना है और इस मटकी को फोड़ना है। जो बच्चा सबसे कम समय में इस मटकी को फोड़ेगा उसको हम देने वाले हैं कुछ शानदार इनाम। तो इनाम आप जानना चाहते हो? तो जो भी इस गेम को जीतेगा, कम समय में जीतेगा, उसको मैं इनाम देने वाला हूँ। तो इनाम कुछ इस प्रकार है, क्या आप जानना चाहते हैं इनाम क्या है? बड़े ही उत्साहित हैं बच्चे। तो इनाम कुछ इस प्रकार होगा, जो फर्स्ट आएगा, जो कम समय में फर्स्ट आएगा और मटकी फोड़ेगा, उसको मैं 10,000 रुपये नगद कैश देने वाला हूँ। तो देखिए बच्चे कितने खुश हैं अभी से ही। तो 10,000 रुपये कौन ले जाने वाला है आज? तो ये सभी बच्चे कह रहे हैं कि 10,000 मैं ले जाने वाला हूँ, मैं ले जाने वाला हूँ। तो देखते हैं फिलहाल कौन बच्चा 10,000 रुपये ले कर जाता है और कौन हाथ मसलते रह जाता है। ठीक है, तो गेम हम कुछ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेम को। तो बच्चों सबसे पहले आप में से कौन जाने वाला है अभी? तो इसका नाम है, इसका नाम सुरेंद्र है। तो फर्स्ट टाइम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेम को। तो पट्टी कहाँ पर है? पट्टी दीजिए। देखिए इसकी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है। पट्टी कुछ अच्छे से बांधना ताकि कुछ दिखाई ना दे। बिल्कुल ले चलेंगे। हाँ, तो कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है इसको, हाथ से इशारा करके बताओ ये क्या है, ये कौन है? नहीं पता। चलो आपको, चलो इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चलो इसको ले चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यहाँ पे खड़े हो, पीछे थोड़ा पीछे, पीछे यहाँ से। तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि क्या करना है, करना क्या है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, और आपको चलना है सीधा सीधा वहाँ जाना है, मटकी थी ना उधर जाना है और उस मटकी को फोड़ना है, फोड़ना है ना मटकी है, या आपने उसके ऊपर कुछ भी चीज पड़ी है उसको फोड़ो या मटकी फोड़ो, ये फोड़ना है आपको। ठीक है, ठीक है ना। तो हम टाइम भी लगा रहे हैं, जो सबसे कम टाइम में फोड़ेगा उसको 10,000 रुपये इनाम मिलने वाली है। बोलो 1 2 3। ये
तो देखिए इस सुरेंद्र ने मटकी को फोड़ दिया। चलिए दूसरी मटकी लाइए, हम दूसरी मटकी लेने जा रहे हैं और दूसरे बंदे को देखते हैं। तो चलते हैं फिर दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर। नंबर आने वाला है जितेंद्र, जिसको जित्ती बोलते हैं, जितेश, सॉरी जितेश। तो जितेश की आंखों पर पट्टी बांधी जाए, जितेश की आंखों पर पट्टी बनाओ, जितेश की आंखों पर पट्टी बांधो। सुरेंद्र ने आकाश के थप्पड़ मार दिए। ये कितना है? ठीक है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है। रेडी स्टडी एंड लाइन पे खड़ा कर गो। थोड़ा पीछे पीछे पीछे, थोड़ा पीछे और पीछे, बस। तो मैं तीन तक बोलूँगा, उसके बाद आपको चलना है ना, आराम आराम से चलना है, ठीक है? वन टू थ्री। ये सरसों में घुस चुका है, इसको कुछ मालूम नहीं है किधर जाना है, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम ले चुका है ये बंदा। तो काफी देर बाद इन्होंने ये मटकी फोड़ी है। चलो टाइम बहुत टाइम बाद भी सही, लेकिन मटकी फोड़ दी है। ये देखिए जितेश ने ये मटकी फोड़ चुका है, और अब चलते हैं तीसरे बंदे की ओर। तो चल तीसरा है आकाश। तो हमारे पास दो मटकी थी, दोनों ही मटकी एक जितेश फोड़ चुका है और दूसरा सुरेंद्र फोड़ चुका है। अब हमारे पास और मटकी खत्म हो चुकी हैं, तो हमने हमारा
फूटे मटके और उसके साथ में पाउडर का डिब्बा है वो रख दिया है। तो आकाश को क्या करना है, उस पाउडर के डब्बे को ही उड़ाना है, मारना है, हिट करना है उसको ही। तो तैयार हो? तैयार है। त्यार हो? वो करे? हैं? यस यस। साइड में हो जाओ। पीछे हो जाओ। देखो, सीधा। वन, टू, थ्री, गो। अब देखिए ये लड़की आई है, संजना, संजना नाम की लड़की आई है इस आकाश के बाद। अब देखते संजना मटकी फोड़ पाती है नहीं, सॉरी मटकी क्या, वो पाउडर का डब्बा। मटकी हमारे पास फूट चुकी हैं, दो मटकी थी, दोनों मटकियाँ फूट चुकी हैं। हमारे फर्स्ट और लास्ट जो लूज़र हैं उनका हम नाम बताते हैं, उनका आपको दिखाते हैं कौन आया था फर्स्ट और कौन लूज़र है। तो हमारे बीच में चार बंदों ने इस गेम को खेला था, जिसमें फर्स्ट नंबर पर इसने खेला था, सेकंड पर इसने, थर्ड पर इसने खेला था और फोर्थ नंबर पर इस लड़की ने खेला था। तो जो हमारे लास्ट लूज़र हैं, कौन था लूज़र, तो हमारे जो फोर्थ नंबर का नंबर आया है वो है जितेश, जो थर्ड नंबर पर आया था वो है आकाश, और जो थर्ड नंबर पर आई थी वो है संजना, और जो फर्स्ट नंबर पर आया था वो है, क्या नाम है, सुरेंद्र नाम।
और ये बंदा फर्स्ट नंबर पर आया था, कम समय में इन्होंने इस गेम को खेला था और इसको इनाम देने की बारी आ चुकी है। तो इनाम का हकदार है जो है सुरेंद्र, तो हम इसको 10,000 रुपये नगद देने वाले हैं। तो 10,000 रुपये लेना चाहते हो? हाँ। तो कैसा लगेगा 10,000 रुपये जीत कर? अच्छा अच्छा लगेगा। तो चलो हम 10,000 रुपये आपको देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये 10,000 रुपये है जो कि 50 नोट है। अभी इनको सुरेंद्र से गिनवाएंगे, काउंटिंग कराएंगे इनकी। तो सुरेंद्र को हाथ में पकड़ाते हैं 10,000 रुपये और इनको काउंटिंग कराते हैं। इसमें ताली बजा दो सब। तो सुरेंद्र कैसा लग रहा है आपको? अच्छा अच्छा लग रहा है। तो एक बार काउंट कर लो पैसे कितने हैं। तो सुरेंद्र भाई साहब अपने जीते हुए इनाम के पैसे काउंट कर रहे हैं। कितने नोट हैं? 50। तो सुरेंद्र भाई साहब बता रहे हैं कि 50 नोट हैं और एक नोट है 200 रुपये का, यानी कि 50 नोट 200 रुपये के एक नोट है, तो हो गए 10,000 रुपये। तो सुरेंद्र ने 10,000 रुपये जीत लिए हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसमें सुरेंद्र ने 10,000 रुपये जीत लिए हैं जो आप देख सकते हो, 200 रुपये के 50 नोट हैं। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हो? कहना चाहते हैं। तो जितेश क्या कहना चाहते हो? इस वीडियो को लाइक करें। अच्छा। इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड इस पर कमेंट्स करें और हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आपके लिए हम जल्दी एक दूसरी वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।